देखिए आज की बैठक का आयोजन इसलिए हुआ है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा श्रीमती हमारी जो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जो जयंती पड़ती है, जो 150वीं जयंती गांधी जी की जो आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री भी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है, उनके नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम धूमधाम तरीके से होना है। जो कार्यक्रम दिया गया है उससे संबंधित चर्चा और मीटिंग हमारे कार्यवाहक शहर अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी ने जो रखी थी, तो पूरा कार्यक्रम चेकआउट करना था और उसकी तैयारी के बारे में उस संदर्भ में बैठक रखी थी। वो अभी हम लोगों की जो बैठक और मीटिंग हुई है, कुछ हंगामा क्यों हुआ है? नहीं नहीं, कोई हंगामा नहीं। देखो, आप लोगों को भी इतनी शानदार तरीके से बैठक चली, एक किसी व्यक्ति ने कोई दूसरी कोई छोटी सी बात, कौन सा हंगामा हो? इससे बेहतर और मीटिंग और बैठक क्या हो? मीटिंग बहुत अच्छी हुई, पर क्या कहा? नहीं, सबके अपने अपने जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी हम लोगों ने जो सुना है और उन सुझावों को जोड़ना था तो उनको हमने जोड़ने की बात भी रखी कि ठीक है, ये जो कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जो चलेंगे उसमें सबकी भावनाएं समाहित हो, जो संबंधित जो गांधी जयंती और गांधी जी से के विचारधाराओं से संबंधित हो वो बात आई, तो हमने उसको शामिल भी करने की बात कही है। नहीं देखिए, कोई हमारी जो आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के सेलिब्रेशन पूरे AICC का जो मार्गदर्शन आया है उसके तहत प्रभारी मंत्री बाला बच्चन जी ने यहाँ पर बैठक आयोजित की जिसमें समस्त कांग्रेसी जन उपस्थित थे और पार्टी के लोग उपस्थित थे। ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है, कुछ लोग मीटिंग में ही अपनी बात करना चाह रहे थे तो उनसे निवेदन किया गया है कि मंत्री जी आपको अलग से समय देंगे और जो हम गांधी जयंती के विषय पर ही बात करें और दूसरी बात ना करें, तो बस इतनी सी बात थी तो थोड़ा लोग उच्चरित हो जाते हैं तो उनको समझा दिया गया और अलग से अभी मंत्री जी सब लोगों से बात कर लेंगे। अनुशासनहीनता भी हुई है बैठक के अंदर? नहीं, दूसरा विषय जो उनका कुछ काम होगा उस विषय में कुछ बात करना चाह रहे होंगे तो मंत्री जी अभी उन सब लोगों से बात कर रहे हैं। अनुशासनहीनता हुई है आपको लगता है कि ये ऐसे बैठक में होना नहीं चाहिए? अमूमन कांग्रेस को लेकर निर्देश भी जारी करती है। नहीं, वो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी वहाँ मौजूद थे, वो इस मामले को संज्ञान में ले सकते हैं और लेना चाहिए। नहीं, आज की मीटिंग में तो नहीं आई। नहीं, पंकज संघवी जी का यह कहना था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, EVM से नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी।